मधुबनी पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता। प्रेम प्रसंग में हत्या की नीयत से अपहृत युवक को 24 घंटे के भीतर सकुशल किया बरामद। मधुबनी जिले के मधेपुर कोसी दियारा इलाके के गढ़गांव गेवाल से हुआ था युवक का अपहरण। फुलपरास के भुतई बालान नदी के पश्चिमी तट से दो अपहरणकर्ता के साथ अपहृत युवक को कर लिया बरामद। मधुबनी पुलिस को आज एक और सफलता हाथ लगी है, जब हत्या की नीयत से जबरन अगवा किए गए युवक को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद करते हुए दो अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। धराए दोनों अपहरणकर्ता शातिर अपराधी निकला। बताया जा रहा है कि एक 19 वर्षीय युवक को अपराधियों द्वारा हत्या की नीयत से अपहरण कर लिया गया था। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। आज झंझारपुर के SDPO अशोक कुमार ने चर्चित अपहरण कांड का खुलासा करते हुए बताया कि बीते 10 अक्टूबर को मधेपुर कोसी दियारा इलाके के भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़गांव गेवाल से 19 वर्षीय युवक पंकज कुमार का हत्या की नीयत से अपहरण कर लिया गया था। अपहृत युवक के भाई शंकर चौपाल ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपहृत युवक की बरामदगी के लिए एक टीम बनाकर फुलपरास के भुतई बलान के पश्चिमी तट पर छापेमारी कर पुलिस ने अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही दो अपहरणकर्ता भेजा थाना क्षेत्र के भरगामा निवासी अरुण यादव के पुत्र नितेश कुमार यादव और शुक्ला बॉस और नरहिया थाना क्षेत्र के गोठ नरहिया निवासी प्रयागलाल यादव के पुत्र राम भरोस कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अन्य अपराधी भजनलाल उर्फ लालू रूपेश यादव और राहुल साव भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार अभियुक्त नीतीश कुमार उर्फ शुक्ला बॉस का आपराधिक इतिहास है। इसमें आर्म्स एक्ट मद निषेध और पुलिस के ऊपर फायरिंग का भी आरोप है। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। दिनांक 10/10/2023 को संध्या 9 बजे शंकर चौपाल, जिनका की ग्राम गढ़गांव गेवाल पड़ता है, थाना भेजा, इनके द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया कि इनके भाई पंकज कुमार को 4-5 व्यक्तियों के द्वारा एक उजले रंग की कार से अपहरण कर लिया गया है, जो कि हत्या का नियम आवेदन में बढ़ने का। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा तकनीकी मानवीय एवं छापामारी कई जगहों पर करते हुए 24 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन करते हुए पंकज कुमार उम्र 19 वर्ष को बोधी बलान नदी के पश्चिमी तट थाना नरहिया ओपी से सकुशल बरामद किया गया और उसी के साथ दो अपहरणकर्ता नीतीश कुमार यादव उर्फ शुक्ला बॉस, जिसका कि अपराधी के इतिहास भी है, मधेपुर थाना और भेजा थाना में कांड दर्ज है, एक आर्म्स एक्ट का भी मामला है, और राम भरोस कुमार को दो मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल पर नंबर भी नहीं थे, उसके साथ गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्तों के बारे में छानबीन की जा रही है, छापामारी की जा रही है, अनुसंधान की जा रही है। सर, कारण क्या बताया जा रहा है अपहरण? अपहरण के कारण ने मुख्यतः हत्या करना था। एक प्रेम प्रसंग का, जैसा कि आवेदन में पढ़ने थे कि प्रेम प्रसंग का मामला था और उसके परिवार वाले हत्या के प्रयोजन से अपहरण किए। इनके साथ साथ कोई हथियार भी बरामद आपत्ति जनों के सामने? इन दोनों के पास से दो मोटरसाइकिल बरामद हुई। अपहरण करने वाले कितने व्यक्ति? अपहरण करने वाले एक ड्राइवर और 4 और व्यक्ति। गिरफ्तारी कितने? गिरफ्तारी 2 व्यक्ति की हुई है। किस गाड़ी से की गई? गाड़ी पर नंबर नहीं थी, 4-व्हीलर थी, उजले रंग। गाड़ी की बरामदगी के बारे में छापामारी की जा रही, प्रयास की जा रही है। गिरफ्तार लोगों में आता है? गिरफ्तार लोगों में नीतीश कुमार का आपराधिक इतिहास है, जो कि मधेपुरा थाना कांड संख्या 164-20 और भेजा थाना कांड संख्या 94-22 के बीच। मधेपुरा 9 बजे भेजा थाना में एक आवेदन आया।